हेलो चिल्ड्रन, हमारा आज का टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज होता है उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, यानी पहले वोल्टेज पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, और ये साइकिल चलता रहता है। तो इसे हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के जो सर्किट्स हैं, जो उसके सर्किट के एलिमेंट्स हैं, और किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट को हमें एनालाइज करना है, ये हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हमें बस इतना सीखना है कि एक अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कैसे किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर दिखता कैसे है। तो चिलन, ये एक रफ डायग्राम है एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का। तो सबसे पहले जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है, वहां पे ऐसी दो मैग्नेट्स होती हैं, यहां पे नॉर्थ है मैग्नेट का और यहां पे साउथ है। तो आप देख सकते हो यहां पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी चीज, ये एक कॉइल है, कंडक्टर की कॉइल। मोस्टली कॉपर ही होता है ये कंडक्टर। तो इस तरह से कई बार कॉपर को गोल 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 घुमाया जाता है। ओके, तो दिस थिंग, दिस एंटायर थिंग इज द कॉइल, कंडक्टर कॉइल है ये। और ये जो कॉइल है इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, एक टर्न, दो टर्न, बार 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 कॉपर के वायर को ऐसा घुमा घुमा के, घुमा घुमा के बहुत सारे टर्न्स होते हैं इसमें। अब इस ये जो कॉइल है, इस कॉइल को किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से घुमाया जाता है, यानी इस कॉइल को इस तरह से घुमाया जाता है। तो इस कॉइल को मान लो, ये कॉइल है, इस कॉइल को इस तरह से घुमाया जाता है। ऑफ कोर्स हाथ से नहीं घुमाते, इस कॉइल को घुमाने के लिए बहुत सारे तरीकों का यूज होता है। इस कॉइल को घुमाने के लिए डैम से पानी को गिराते हैं, और फिर पानी को टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन घूमती है, तो टरबाइन की वजह से ये कॉइल भी घूमती है। या आपने देखा होगा विंड मिल्स लगे होते हैं, हवा की मदद से विंड मिल को घुमाते हैं और विंड मिल की मदद से इस कॉइल को घुमाते हैं। तो ये कॉइल क्या कर रही है, ये जो कॉइल है ये मैकेनिकल एनर्जी की मदद से घूम रही है। करेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी की मदद से घूम रही है, या वाटर की नीचे गिरने की जो एनर्जी है उसकी वजह से घूम रही है, या थर्मल पावर प्लांट्स में इसे वाटर वेपर की मदद से घुमाया जाता है। तो हमें किसी भी तरह से इस कॉइल को घुमाना है। अब क्या मिलेगा इस कॉइल को घुमा के? चलो, आप देख सकते हो ये जो कॉइल है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। दिस कॉइल इज प्रेजेंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी तो इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। ये देखो, सपोज कॉइल ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का है, तो इस वक्त कोई फ्लक्स नहीं है। फिर जब कॉइल ऐसी हो जाएगी तो फुल मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो इस वक्त फ्लक्स है। फिर जब कॉइल ऐसी हो जाएगी तब फिर से फ्लक्स नहीं है। फिर जब कॉइल ऐसी होगी फिर फ्लक्स है। फिर जब कॉइल ऐसी होगी फिर फ्लक्स नहीं है। तो चिल्ड्रन, जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी वैसे वैसे जो फ्लक्स है इस कॉइल के थ्रू पास होने वाला वो चेंज होता जाएगा। तो ये नो फ्लक्स, फ्लक्स, नो फ्लक्स, फ्लक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे जैसे इस कॉइल को घुमाएंगे वैसे वैसे इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो फ्लक्स चेंज होगा। अब मान लेते हैं कि जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो बी है, ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स लिए हमने, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, इसको किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे, कितने रेडियन पर सेकेंड घुमा रहे, वो ओमेगा से पता चलेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि हम नॉर्मल फ्लक्स में जो थीटा लेते हैं वही थीटा है, जो फ्लक्स में हम बी ए कॉस थीटा लेते हैं वही वाला थीटा है। नाउ चिल्ड्रन, यहां पे एंड्स में आप देख रहे हो यहां पे दो ऐसी गोल चीजें बनी हैं, इन्हें स्लिप रिंग कहा जाता है। ये दोनों स्लिप रिंग है। ये रिंग्स कुछ ऐसी होती हैं इस तरीके की, और इसके अंदर ये इस तरीके से स्लिप होता है कॉइल का एंड,
आप देख सकते हो कॉइल का एंड है ये इस तरह से स्लिप होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाए रखता है कॉइल के साथ, तो कॉइल के साथ पूरे समय इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाए रखता है ये स्लिप रिंग। और चिल्ड्रन ये वाला स्लिप रिंग इस एंड से कनेक्टेड है और ये वाला स्लिप रिंग इस एंड से कनेक्टेड है, दोनों स्लिप रिंग दोनों एंड से कनेक्टेड नहीं है, एक स्लिप रिंग बस एक ही एंड से कनेक्टेड होता है। तो ये जो एंड है, ये जो स्लिप रिंग है वो इस वाले एंड से कनेक्टेड है और ये वाला स्लिप रिंग इस वाले एंड से कनेक्टेड है। ये जो दो छोटी छोटी चीजें आपको दिख रही है जो शेड की हुई है, इन्हें कार्बन ब्रश कहा जाता है। तो स्लिप रिंग्स जब घूमती हैं इस तरह से, देखो स्लिप रिंग्स कुछ इस तरह से घूमती हैं, तो और कार्बन ब्रश अपनी जगह पे रहता है, तो स्लिप रिंग्स घूमती हैं और कार्बन ब्रश अपनी जगह पे रहता है। तो कार्बन ब्रश की जगह पे रहने से इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनता है, तो कार्बन ब्रश इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट क्यों मिला? क्योंकि ये यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका क्या फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डीटी, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाय डीटी ऑफ फ्लक्स होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर जो ईएमएफ हो जाएगा वो होगा माइनस, और हाँ चिल्ड्रन ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता अगर सिर्फ एक टर्न होता, पर यहां पे तो बहुत सारे कॉइल्स हैं, यहां पे कैपिटल एन कॉइल्स हैं, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एन भी करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक कॉन्स्टेंट है, इस कॉइल का एरिया कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टेंट है, बचता क्या है? डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। नाउ चिल्ड्रन आप सब जानते हो थीटा एंगल है एंड एंगल कैन बी रिटन एज ओमेगा इनटू टी, तो जो ईएमएफ है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस बी ए एन डी बाई डी टी ऑफ कॉस, थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, बिकॉज व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा अपॉन टी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा अपॉन टी। Therefore, E is minus B A N. Cos को differentiate करेंगे तो आएगा sin. और यहां पे chain rule लगेगा, sin omega t को differentiate करेंगे, chain rule लगेगा omega t पे, फिर omega t को differentiate करेंगे तो यहां पे omega बाहर आएगा। तो children, this is the EMF which gets generated. तो ये है EMF का equation. आप देख सकते हो ये जो EMF है ये sin पे dependent है, इट इज डिपेंडेंट ऑन साइन। चिल्ड्रन यहां पे जो माइनस, ये जो बी है कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, ओमेगा कॉन्स्टेंट, इन सारे कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं ई पी। वॉट इज ई पी? बैन ओमेगा इज ई पी। ये ई पी क्या है? ई पी इज द पीक वोल्टेज। ई पी को क्या बोला जाता है? पीक वोल्टेज। तो आप जो देख रहे हो जो ईएमएफ है वो साइन ग्राफ जैसा दिखेगा, तो जो वोल्टेज क्रिएट होगा यहां से, जो अल्टरनेटिंग करंट निकलेगा वो साइन वेव की तरह दिखाई देगा और ईपी उसका पीक वोल्टेज होगा। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं यहां से कैसे निकलेगा। तो यहां से जो करंट होगा उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा, और ये जो वैल्यू है वो ईपी है, पीक वोल्टेज। तो दिस इज द पीक वोल्टेज, ये है पीक वोल्टेज, और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो ये भी ईपी है, दिस इज ऑल्सो द पीक वोल्टेज बट इन अदर डायरेक्शन। तो ये हमें अल्टरनेट करंट मिल गया। तो इस तरह से अल्टरनेट करंट जनरेट किया जाता है और यही अल्टरनेटिंग करंट आपके घर में इस वक्त आ रहा है, डोमेस्टिक सप्लाई यही अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो ये पूरी चीज इसकी मदद से आपके घर पे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे इसी चीज की वजह से पहुंचती है। अगर हम इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो आपके घर तक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना लगभग लगभग नामुमकिन होता।
तो चिल्ड्रन, अब हम फिर से एक बार देखते हैं। तो ये थी कॉइल। पहले कॉइल कुछ इस तरह से रखी हुई है। तो आप देख सकते हो जो कॉइल है उस यहां पे इस वक्त कोई फ्लक्स नहीं है। फिर इस केस में केस ए है, ये केस बी में कॉइल कुछ इस तरह से हो गई है। ओके, तो यहां पे फ्लक्स है। और कॉइल सी में, पहले कॉइल ए में ऐसी थी, फिर केस बी में ऐसा, फिर केस सी में ऐसी हो गई है। तो चिल्ड्रन जब इस तरीके से कॉइल होती है, जब कॉइल इस पोजीशन में होती है, तो उस वक्त कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। अब आप बोलोगे यहां तो 0 डिग्री का एंगल है। ठीक से देखो, 90 डिग्री का एंगल है। ये देखो, ये है कॉइल, तो कॉइल का एरिया तो ये माना जाएगा ना, एरिया का डायरेक्शन तो ये होगा परपेंडिकुलर। तो एरिया का डायरेक्शन इस तरह से परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो यहां पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और जो ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, ई पीक साइन ओमेगा टी। यानी ये एंगल अगर 90 डिग्री बन गया, आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री का मतलब होना कि जो ईएमएफ है वो ई पीक हो जाएगा। तो जब इस तरीके से कॉइल रखी हुई होती है इस तरीके से, तो जो ईएमएफ होता है वो पीक वोल्टेज होता है। तो आप देख सकते हो सिचुएशन ए ये है, सिचुएशन ए पे जो ईएमएफ है वो पीक ईएमएफ है। अब यहां देखो, इसमें कॉइल कुछ ऐसी है, ऐसी थी यहां पे, यहां पे कॉइल ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का है। तो एंगल 90 डिग्री नहीं है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो है। क्योंकि अगर कॉइल ऐसी है तो उसका एरिया इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो एंगल जीरो है। अगर एंगल जीरो है तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो सिचुएशन बी का ईएमएफ जीरो है। अब सिचुएशन ए ऐसी, सिचुएशन बी ऐसी, सिचुएशन सी में कॉइल उल्टी हो गई है, तो अब जो एंगल है वो 270 है। ये एंगल 90, ये एंगल आप 180 भी मान सकते हो, ये एंगल 270 भी मान सकते हो। तो सी सिचुएशन जब होगी तब ईएमएफ पीक तो होगा लेकिन नेगेटिव में पीक होगा। तो पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, आप घूम के फिर ऐसा हो जाने वाली है। तो जब घूम के फिर ऐसी हो जाएगी तो ये ईएमएफ का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इस सिचुएशन में ईएमएफ मैक्सिमम होता है, इस सिचुएशन में ईएमएफ जीरो होता है, इस सिचुएशन में ईएमएफ माइनस में मैक्सिमम होता है। तो चिल्ड्रन, इस एनिमेशन की मदद से देखते हैं कि एक एसी जनरेटर कैसे काम कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कॉइल बार बार रोटेट कर रही है, तो कॉइल इज रोटेटिंग। किसी मैकेनिकल फोर्स की वजह से, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वो रोटेट कर रही है। जो स्लिप रिंग्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहती हैं, और जो कार्बन ब्रशेस हैं वो कार्बन ब्रशेस कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में आपको वोल्टेजेस दिख रहे हैं, बीच में ज़ीरो है और आजू बाजू राइट और लेफ्ट में कुछ रीडिंग्स दी हुई है। तो इस पूरे एनिमेशन से आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर होना चाहिए एसी जनरेटर के बारे में।